हेलो डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट टू ऑफ चैप्टर सिक्स मॉडल वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ क्लास एट्थ एंड दिस पार्ट इज गिवन ऑन पेज नंबर थर्टी एट एंड थर्टी नाइन सो स्टूडेंट्स विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट चलिए शुरू करते हैं एज यू कैन सी हियर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कैन कोड हम यहाँ तक पढ़ चुके थे इसको स्टूडेंट्स चलिए अभी हम मेकिंग प्रोमिस और बींग प्रोमिस्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं किसी से प्रोमिस करना या फिर प्रोमिस लेना ओके okay, स्टूडेंट्स तो इसके लिए किस किस का यूज़ किया जाता है इसके लिए विल या वुड का यूज़ किया जाता है विल इज़ यूज इन प्रजेंट एंड फ्यूचर प्रोमिस प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉमिस के लिए विल का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स जबकि पास्ट ऑफ विल होता है वुड बट कैन वी यूज फॉर फ्यूचर एज वेल तो वैसे तो ये पास्ट होता है वुड विल का बट इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर लिया जाता है दोनों में प्रॉमिस ही कर, आ, शो कर शुरू होता है कैसे आई विल गिव यू माई बुक मैं आपको अपनी बुक दूंगा वी विल हेल्प दैम हम उनकी हेल्प करेंगे है ना ओके okay, स्टूडेंट्स चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है ही वुड कीप अप प्रोमिस वो अपना वादा निभाएगा या शी वुड डू एवरी थिंग टू हेल्प इज और हमारी मदद करने के लिए वो जो हो सकेगा वो करेगी चलिए शोइंग इंटेंशन अपना इंटेंशन दिखाने के लिए या फिर विश दिखाने के लिए आ, अपनी विश जैसे मेरी कोई इच्छा है कोई काम करने की तो वहाँ हम विश का यूज़ करते हैं जैसे इंटेंस डिज़ायर विश इज़ फॉलोड बाई अ पास्ट वर्ब वॉज वर एट्सट्रा है नॉज वर बाद में आती है इसके साथ विश और डिज़ायर होती है यहाँ पर जैसे आई विश देयर वॉज नो होमवर्क टू डू आई विश मेरा ये मुझे ये लगता है मेरी इच्छा है कि कोई भी होमवर्क ना हो करने के लिए है ना तो विश के बाद पास्ट वब जैसे वॉज़ अ व जरूर आएगी जैसे वी विश वी व टेकन फॉर द ट्रिप है ना विश वर ओके स्टूडेंट्स पास्ट वरूर आए चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं जहाँ प्रेफ्रेंस की बात की जाए वहाँ वुड का यूज़ होता है यानी इंटेंशन एंड फ्यूचर प्लान जैसे क्या इंटेंशन होता है यहाँ पर कैसे हो सकता है आई वुड रेदर टेक अ लीव हो सकता है यानी मैं एक लीव लेना प्रेफर करूँ मैं लीव ले सकता हूँ चलिए एक्सप्रेसिंग कंपल्शन ओबलीगे एंड इम्पोजिंग प्रोहबिशन है ना वहाँ पर मस्ट का यूज़ होता है यानी जहाँ पर कंपलशन है कोई भी काम कंपल्सरी है करना ही करना है ओब्लाइगेशन एंड इम्पोजिंग प्रोहबिशन यानी कोई भी चीज़ करने के लिए आप ओबलाइज हैं या प्रोहिबिशन यानी रोक लगी हुई है तो आपको करना ही करना है जैसे कंपलसन टू डू समथिंग अफर्मेटिव कंपलसन जैसे वी मस्ट बी इन द टाइम एट स्कूल हमें स्कूल में समय पर आना चाहिए ये क्या है कंपल्सन है स्टूडेंट इट्स कंपल्सरी आपको आना ही आना है ओके स्टूडेंट्स चलिए वी वुड टेक सम मोर एग्जांपल्स कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं लाइक मस्ट नॉट नेगेटिव में आ जाएगा कंपलसन जो आपको नहीं करना नेगेटिव कम्पलसन यू मस्ट नॉट डिस और एल्डर्स आपको अपने एल्डर्स की डिसोबे यानी अवज्ञा यानी बात न मानना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हैव टू का भी यूज़ हो जाता है और टू का भी यूज़ हो जाता हैव टू का यूज़ कंपलसन ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर टू डू समथिंग आपके ऊपर किसी बाहरी दबाव के कारण कोई काम आपको करना पड़ रहा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंपल्सन होता है जैसे वी हैव टू सबमिट आवर होम असाइनमेंट बाय टुमारो मॉर्निंग कल सुबह तक हमें अपना होम असाइनमेंट सबमिट करना है और टू का यूज स्टूडेंट्स मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी नैतिकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है जैसे वी और टू और ओबे आर टीचर्स है ना हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए डेयर या फिर नॉट टू कंट्रोल और बोल्डनेस टू डू समथिंग है ना जैसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव कम्पलसन हो सकता है जैसे यू डेयर नॉट एग्री सॉरी आर्ग्यू विद मिस्टर शर्मा और साइंस टीचर है ना आप हमारे जो साइंस टीचर हैं उनसे आर्ग्यू करने की हिम्मत ना करें है ना तो उस जगह यूज़ होता है डेयर का ओके स्टूडेंट्स चलिए जहाँ पर आपको नेसेसिटी एक्सप्रेस करनी हो नेसेसिटी मतलब बिल्कुल ज़रूर कोई काम होना ही होना है वहाँ स्टूडेंट्स नीड का यूज़ होता है और जहाँ किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं है है ना नेगेटिविटी आपको शो करनी हो वहाँ नीड नॉट का यूज़ होता है ओके स्टूडेंट चलिए जैसे आई नीड टू टॉक यू इमिडिएटली मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है नेसेसिटी है वी नीड टू पे अटेंशन टू आवर स्टडीज़ हमें अपने स्टडीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर पेट डॉग आई एल लुक आफ्टर इट। आपको अपने पेट डॉग के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैं इसकी देखभाल करूँगा या फिर दे नीड नॉट आर्ग्यू ओवर सच स्मॉल शूज़ उन्हें ऐसे छोटे छोटे शूज़ पर आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है ओके स्टूडेंट्स चलिए आस्किंग फॉर थिंग्स और फेवर एंड मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट चीज़ों के लिए फेवर के लिए पूछना या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करना उनके लिए कुड वुड इनका यूज़ होता है दोनों का ही फॉर्मल अफर्मेटिव रिक्वेस्ट में यूज़ होता है दोनों से ही रिक्वेस्ट की जाती है जैसे कुड यू लैंड मी प्लीज़ सम मनी प्लीज़ क्या आप मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे सकते हैं या वुड यू माइंड टॉकिंग इन अ लिटिल लो टोन प्लीज़ क्या आप थोड़ी से मतलब कम आवाज़ में थोड़ी सी धीमी आवाज़ में बात करने का कष्ट करेंगे ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट वन और देखते हैं वंडर इफ़ प्लस वुड वंडर इफ़ के साथ कुड और वुड का यूज़ कहाँ होता है जब एक्सट्रीमली पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है है ना बहुत ही अत्यंत पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए तब यूज़ होता है कैसे यहाँ पर आर्ग और परस परसोइ किसी को मनाने की बात की जाती है जैसे आई वंडर इफ़ यू कुड कन्वे माई मैसेज टू हर है ना बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप मेरा मैसेज उनको कन्वे कर दें आपकी बहुत दया रहेगी आई वंडर इफ़ यू वुड लेट मी स्टेयर टिल द रेन स्टॉप्स आप बहुत अच्छा रहेगा बारिश रुकने तक अगर आप मुझे यहाँ रुकने दें तो सो स्टूडेंट्स दीज वर ऑल द ऑल टाइप ऑफ मॉडल ऑक्जिलरीज विच कैन बी यूज वाइस वर्सा सो स्टूडेंट्स Thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents. Thank you.